अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन, और सी आई जे बी द को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन ए, और सी आई जे जो है डिनोट कर रहा है को फैक्टर्स को ए मैट्रिक्स में। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो क्या होगा, वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा जो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको डिनोट किससे करते हैं, एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x2, इट मींस इसके दो रोज और दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है जी। दो रोज हैं और इसकी दो कॉलम्स हैं। अब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम कोफैक्टर वाला जो प्रोसीजर है वो इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोफैक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को यहां पे पॉज करें और पहले कोफैक्टर्स वाली वीडियो को देखें, उसके बाद आपको जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो समझना बहुत आसान रहेगा। तो हम फाइंड करते हैं जी पहले कोफैक्टर्स। तो अगर मैं इसको C11 को देखूं, इसका मतलब को फैक्टर है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट का, तो इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करूंगा तो जो एलिमेंट बचता है वो है ये वाला। इसका मतलब ये जो होगा ये मेरा को फैक्टर होगा A 2 2। इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा इन दोनों रो और कॉलम को प्लस करूंगा, तो अगर मेरी पावर जो होगी वो इवन नंबर होगी तो साइन मेरा पॉजिटिव लगेगा, अगर ऑड नंबर होगी तो साइन मेरा नेगेटिव लगेगा। अब अगर मैं 1 को 1 में प्लस करूं तो 2 बनता है, 2 मेरा इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगता है। ये मैं इसलिए इसको वर्बली कर रहा हूं क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2 आया, 2 एक इवन नंबर है, इट मींस इसके साथ साइन लगेगा प्लस का। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है उसका अगर मैं देखूं तो मतलब ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करने से ये एलिमेंट बनता है, इट मींस ए 2 1 है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 2 + 1 या 1 + 2 इक्वल 3 बनता है, 3 मेरा ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ साइन जो होता है वो नेगेटिव लगता है, तो इट मींस यहां पे साइन नेगेटिव लगेगा। अब अगर मैं C 2 1 देखूं तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, इसकी इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट बचता है, तो इसका मतलब इसका A 1 2 को फैक्टर होगा। बट साइन की बात करें तो साइन यहां अगर मैं 2 को 1 में प्लस करता हूं तो 3 आता है, 3 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगता है को फैक्टर्स में, तो नेगेटिव साइन लगेगा यहां पे A 1 2 के साथ। को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम्स एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कौन सा है, A 2 2। इस रो को और इस कॉलम को अगर मैं इग्नोर करूंगा तो एलिमेंट बचता है A 1 1। अब इनकी आई और जे को मतलब रो और कॉलम को प्लस करूं प्लेस को तो वो बनता है 4 4, एक इवन नंबर है, इट मींस इसके साथ साइन जो होगा वो प्लस का लगेगा, साइन आ गया यहां प्लस का। अब अगर मैं इसी जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म के को फैक्टर्स के हवाले से अब एक 2x2 का ही मैट्रिक्स लेता हूं 1 3 7 एंड 9, C 1 1 को फैक्टर जो है वो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट 1 का, वो है पॉजिटिव साइन के साथ, A 2 2 वो है एलिमेंट 9 पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन को आप लगाएं या ना लगाएं एक ही चीज है। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में मौजूद एलिमेंट का, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में मौजूद एलिमेंट वो है 3, 3 का कोफैक्टर माइनस साइन के साथ आएगा और आएगा कौन सा एलिमेंट, A 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद, तो वो है 7, माइनस 7 आ गया। कोफैक्टर ऑफ 2th 1, इसका मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट 7 है, 7 का कोफैक्टर आएगा 3, क्योंकि ये है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोफैक्टर की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद ये है हमारे पास 3, बट साइन इसके साथ आएगा माइनस का। कोफैक्टर ऑफ 2 2 जो है
सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद एलिमेंट 9 है, 9 का कोफैक्टर जो है वो A11 है, इसका मतलब इसका एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो 1 आएगा विद साइन पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास बन जाता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, ये मेरे पास बन जाता है 1 1 1 1 का आएगा मेरे पास 9, C12 का कोफैक्टर -7, C21 का कोफैक्टर -3, C22 का फैक्टर जो है कोफैक्टर वो है प्लस का 1। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो कोफैक्टर का जो सी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो क्या आएगा जी, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा जी, इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। 9 यही है, -7 पहले रो थी और इधर जब इसको शिफ्ट किया तो -7 आ गया, ये कॉलम बन गया, और -3 कॉलम का हिस्सा था, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये रो का हिस्सा बन गया, और +1 इधर ही है। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 9 -3 -7 and +1। अब ये एक हमने एक ब्रीफ मेथड डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूं जो के एडजॉइंट के लिए यूज किया जाता है। ये हमने एडजॉइंट जो है फाइंड किया है, पहले हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए मैट्रिक्स ए के, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास एडजॉइंट आया है। तो एक शॉर्टकट मेथड, जब आप अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो किसके इक्वल आता है, ये इक्वल होता है कि आप मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उसकी प्लेस चेंज कर दें, मतलब यहां पे 1 है यहां पे 9 है, आप 9 को फर्स्ट प्लेस पे रख लिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे, और 1 को सेकंड रो और सेकंड कॉलम की प्लेस, बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल, 9 यहां आ गया 1 यहां आ गया, एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर डायगोनल्स एंट्रीज, तो यहां पे प्लस का 3 था माइनस का 3 आ गया, प्लस का 7 था माइनस का 7 आ गया। अगर आप देखें तो ये दोनों आंसर्स सेम है, इधर 9 है इधर 9 है, इधर -3 है इधर -3 है, इधर -7 है इधर -7 है, यहां पे 1 है यहां पे +1 है, देखें जी दोनों आंसर सेम है। ये दो मेथड्स हैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के। पहला मेथड जो है वो ये बताता है कि पहले आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने किसी मैट्रिक्स के, उसके बाद आपने उस कोफैक्टर्स वाला जो मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट आएगा। दूसरा मेथड ये है कि आपने जो मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी प्लेस को चेंज कर देना है और जो अदर डायगोनल है उसकी आपने एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना है। इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।